हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बच्चों के से रिलेटेड है कि बच्चों को किस बीमारी में ये सिरप दिया जाता है। नाम से फोर्ट 60 ml में आपको मेडिकल स्टोर्स पर मिल जाएगा। इसके क्या बेनिफिट्स हैं और आप बच्चे को ये कब और क्यों पिला सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप चैनल पर पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये दो कंटेंट से मिलकर बना है, मेफेनेमिक एसिड एंड पैरासिटामोल सस्पेशन। ये बच्चों को कब और क्यों दिया जाता है। नाम से फोर्ट सस्पेशन दो कंटेंट से मिलकर बना है। बच्चों को बुखार, सर दर्द, शरीर में दर्द, अक्सर बच्चों को दांत निकलते समय काफ़ी दिक्कत होती है, बुखार हो जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, रोने लगते हैं, उनमें पोषण की कमी आ जाती, उसकी कमी को दूर करने और सभी दर्द से रिलीफ के लिए ये वाली कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। डॉक्टर इसको रिक्वायरमेंट करते हैं। अगर बच्चे को लगातार फीवर होता है, अक्सर दांत के जब बच्चे के निकलते हैं उनको सर्दी खांसी, चिड़चिड़ापन, कभी 101 डिग्री से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा उनको फीवर हो जाता है, तब उस सिचुएशन में इसको दिया जाता है। इसके अलावा अगर बच्चे ने कुछ फीवर के दौरान, सर्दी खांसी या टीथ निकलने के दौरान खाना पीना बंद कर दिया है, फीडिंग करना बंद कर दिया है, उसमें जो पोषण की कमी आती है उसको भी ये पूरा करता है। ये हल्के और ज़्यादा तेज़ दर्द के थ्रू इस दवा को दिया जाता है। ये आपको 60 ml में मेडिकल स्टोर्स पर मिल जाएगा। ये मिंगो फ्लेवर का है। अब यहाँ पर हम इसकी प्राइस की बात करेंगे। ये 59 rupees में आपको मिल जाएगा। आप जब भी ये दवाई देते हैं डॉक्टर से पूछ कर दीजिए, उनकी बिना इजाज़त या मर्जी के आप ना दें। इसकी एक्सपायर डेट 2023 है। आप देख सकते हैं, आप जब भी बच्चे को दे कुछ खिला दीजिए या उसको फीडिंग करवाते हैं, मिल्क देने के बाद पिलाइए और इसको अच्छे से बोतल को ज़्यादा गर्म और बहुत अधिक ठंडे स्थान पर ना रखें। देने से पहले बोतल को अच्छे से शेक कर लीजिए, हिला लीजिए, ताकि जो दवा नीचे बैठी है वो अच्छे से मिल जाए, मिक्स हो जाए। अब हम कैसे देंगे, आप यहाँ पर आप देखेंगे कितनी क्वांटिटी में कितने ड्रग्स इसमें ऐड किए हुए हैं। मेफानामाइन एसिड 100 mg, पैरासिटामोल आईपी 250 mg, फ्लावर सनसेट येलो स्प्रा इसका कलर है। अब कितनी एज के बच्चों को आपको कितनी दवाई देना है उसके बारे में बात करेंगे। अगर बच्चे को लगातार बार बार फीवर हो जाता है, आप 5 ml सुबह, शाम, दोपहर, रात को दे सकते हैं। इसके अलावा इसको बहुत अधिक बुखार आता है बेबी को, तब भी आप इसको दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो बोतल है, अब यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, अगर बच्चे की उम्र 5 से 7 kg के बीच में है और उसका वेट 20 से 25 kg है, तो आप उसे 4 से 6 ml सुबह, शाम, दोपहर दे सकते हैं। 7 से 11 साल के बच्चा है तो आप उसका वेट 25 से 40 kg के बीच में है, तो आप 6 से 10 ml सुबह, शाम, दोपहर दे सकते हैं। 11 साल से 12 साल के बच्चे का वेट 40 से 45 kg है, और आप कितनी डोज देंगे, 10 से 12 ml डोज आप दे सकते हैं। अब कभी कभी ये होता है, यहाँ पर वेट और ईयर्स के बारे में बताया है कि बच्चे की एज ज़्यादा है लेकिन उसका वेट काफ़ी कम है, इसकी क्वांटिटी में वो वेट नहीं बैठ पाता है, तो आप 5 ml या 6 ml के आसपास दवाई दे सकते हैं। इसमें चिंता की कोई बात नहीं। इसके कुछ हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे बच्चे में लूज मोशन, पेट में मरोड़ उठना, उसको दस्त लग सकते हैं, दवाई पिलाने के बाद बच्चे को काफ़ी देर तक नींद आ सकती है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। उसको हल्की सी मतली आ सकती है या वो दवाई पीते ही मुंह में से निकाल सकता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मली लक्षण है, क्योंकि अक्सर बच्चे को दवाई का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है जिससे वो मुँह से निकाल देते हैं। आप फीडिंग करवाते हैं, अगर बच्चा 6 month से बड़ा है तो आप उसको 15 से 20 मिनट बाद ही दवाई दें। खाना खिलाने के आपको 15 से 20 मिनट बाद ही ये दवाई को पिलानी है। सो फ्रेंड, आपके कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ डाउट है, तो आप हमको कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आपके कुछ क्वेश्चन हैं,
या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो जाना देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप बच्चे का ध्यान रखिए और आप डॉक्टर की सलाह अनुसार बच्चे को ट्रीट करवाइए। आपको जब तक बेबी का बुखार या फीवर या दांत दर्द या वैक्सीन के बाद जो होने वाले दर्द रहते हैं वो कम नहीं होता है, तो आप इसका पूरा डोज लें। आपको 5 से 7 दिन तक ये वाली दवाई बच्चे को पिलानी है। काफ़ी बेस्ट है, आप मेडिकल स्टोर से परचेस कर सकते हैं। इसके हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे बच्चा बाथरूम बहुत अधिक येलो करेगा, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनकी भी मदद हो सके, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।